अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सब देखने वालों को रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी मसल एडेप्टेशन से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने मसल हाइपरट्रॉफी पर बात की थी, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मसल इंड्योरेंस पे, जो कि मसल एडेप्टेशन का सेकेंड मेथड है। मसल इंड्योरेंस के अंदर हम बात करते हैं रैप्स एंड सेट्स के मुतालिक। एक बात जो हमें अक्सर जिम में सुनने को मिलती है कि अगर आपको मसल का मास बढ़ाना है, मास गेन करना है, तो आप हैवी वेट से ट्रेनिंग करें और रैप्स कम निकालें, और अगर आपको कटिंग चाहिए, सेपरेशन चाहिए मसल्स के अंदर, वस्कुलरिटी चाहिए, तो सूरत में आप वेट को कम लें और रैप्स ज्यादा लगाएं। किसी हद तक ये बात दुरुस्त तो है, लेकिन हर किसी के लिए ये रूल सेम टू सेम अप्लाई नहीं होता। जिसम की जेनेटिक्स देख के, बंदे का गोल देख के, वो बंदा मोटा है, उसके ऊपर फैट रेशो कितना है, उसका मसल अभी करंट किस कंडीशन में है, उसको देखते हुए हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप वेट कम उठाएं या वेट कम लें, रैप्स ज्यादा निकालें या रैप्स कम लें। तो ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है कि वेट ज्यादा उठाने से मसल के साइज के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, जबकि रैप्स ज्यादा निकालने से मसल कटिंग की तरफ जाता है, लेकिन ये बात 100% भी ट्रू नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस इसके अंदर हम हैं जो आगे चल के दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। खैर, हैवी वेट्स लगाना हो या फिर बहुत ज्यादा रैप्स लगाना हो, दोनों का मकसद एक ही है कि अपने मसल को इस तरह हिट करना कि वो फटीग हो जाए और फेलियर की तरफ जाए। इससे पहले कि हम मजीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताते हैं कि फेलियर कहते किसे हैं। इसकी एग्जाम्पल आप यू ले रहे हैं कि आप 10-10 kg के डम्बल से बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं और आपने एम किया है कि मैं 10 kg का डंबल लेके 12 रैप्स इसके मैं लगाऊंगा। तो अब जब आपने 10 kg के डंबल से 12 रैप्स लगाए और 13th रैप लगाने की कोशिश की, तो वहां पर आपका मसल इतना थक चुका था कि आप 13वां रैप नहीं लगा सके। इसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के अंदर मसल फेलियर हो जाना। मसल हाइपरट्रॉफी के थ्रू जब हम मसल गेन करने की बात करें, तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो काउंट करती है वजन उठाने की ताकत पे। जैसे आप पहले 10 केजी के डंबल से 12 रैप्स लगा सकते थे और आप मुसलसल मेहनत के बाद आप इस स्टेज पे आ गए कि अब आप 12 केजी के डंबल से 12 केजी के डंबल से अब आप 12 रैप्स लगा सकते हैं, तो ये 2 kg ज्यादा उठाना ये आपकी प्रोग्रेस काउंट होगी। जबकि मसल इंड्योरेंस में आपकी प्रोग्रेस जो है वो ज्यादा सेट्स और ज्यादा रैप्स लगाने पे काउंट होती है, कैलकुलेट होती है। वो किस तरीके से? ऐसे कि अगर आप 10 केजी के डंबल से 12 रैप्स लगा रहे थे और कुछ अरसे के अंदर आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचे कि अब आप 10 केजी के डंबल से 12 की जगह 15 रैप्स लगाने के काबिल हो गए, तो इट्स मीन ये जो 3 रैप्स आपके ऊपर लगाना मसल इंड्योरेंस के हिसाब से, ये आपकी प्रोग्रेस काउंट होगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के बाद एडेप्टेशन का जो पूरा चैप्टर था, जो 3 हिस्सों पर हम लोगों ने डिवाइड किया था, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसपे हमने मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में आपको बताया, जिसपे आपको मसल इंड्योरेंस के बारे में आपको बताया कि कौन सी चीज किस लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसल हाइपरट्रॉफी और मसल इंड्योरेंस दोनों के मिलाप से आप मसल को फास्ट स्पीड में अच्छा गेन कैसे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।